नमस्कार दोस्तों, आरआर इंफोटेनमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम उस मुद्दे पर आपको थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में आप इन दिनों टीवी पर देख रहे हैं। वो मुद्दा है रशिया और यूक्रेन के बीच बढ़ रही टेंशन का। जिसमें कहा जा रहा है कि रशिया कभी भी किसी वक्त यूक्रेन पर हमला कर देगा और यूक्रेन को उसने तीनों तरफ से घेर लिया है वगैरह वगैरह। लेकिन तमाम ये वो बातें हैं जो आपको न्यूज़ के ज़रिए मिल रही हैं। आज हम आपको इस वीडियो में ये बताने की कोशिश करेंगे कि भला आखिरकार इस समस्या की शुरुआत कहाँ से होती है और क्या वजह है जिसके लिए इन दोनों देशों का विवाद इतना बढ़ गया कि इसे वर्ल्ड वार तीन की शुरुआत होने की भी आशंका जताई जा रही है। दरअसल इसके पीछे कई मुद्दे हैं जो हम आपको धीरे धीरे इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे, और अगर कोई पॉइंट हमसे छूट जाए तो वो पॉइंट हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं झगड़ा क्या है, यानी रशिया और यूक्रेन के संकट की वजह। विवाद ये है कि यूक्रेन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो का सदस्य बनना चाहता है और रशिया इसका विरोध कर रहा है। दरअसल नाटो अमेरिका और पश्चिम देशों का एक मिलिट्री अलायंस है, यानी एक सैन्य संगठन। रशिया ये नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश यूक्रेन नाटो का मित्र देश बन जाए, और इसी वजह से दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हो चुकी है। और अहम बात तो ये है कि विवाद सिर्फ यूक्रेन और रशिया के बीच में है, मगर असल में इसमें अमेरिका के साथ साथ कई और देश भी अब शामिल हो चुके हैं। इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दरअसल रशिया और यूक्रेन के टेंशन की वजह से अब पूरा वर्ल्ड दो हिस्सों में बंट चुका है। एक तरफ रशिया है जिसे इस मुद्दे पर चाइना सपोर्ट कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन को अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों का सपोर्ट मिल रहा है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भला रशिया को यूक्रेन के नाटो देश में शामिल होने से क्या प्रॉब्लम है। जवाब को जरा ध्यान से सुनिए। दरअसल नाटो अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे 30 देशों का एक मिलिट्री ग्रुप है। रशिया के सामने चैलेंज ये है कि उसके कुछ पड़ोसी देश इस्टोनिया और लातविया जैसे देश पहले ही नाटो को ज्वाइन कर चुके हैं। ये देश पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। यहाँ तक तो ठीक है, पर सवाल ये है कि रशिया को नाटो से सुरक्षा का क्या खतरा। अगर यूक्रेन भी नाटो का मित्र देश बन जाता है तो रशिया चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिर जाएगा और उस पर अमेरिका के अलावा कई और देश हावी होने लग जाएंगे। इसके अलावा एक और पॉइंट भी है, अगर यूक्रेन नाटो का देश बनता है तो फ्यूचर में रशिया उस पर कभी भी हमला नहीं कर पाएगा, और अगर वह ऐसा करता है तो नाटो ग्रुप के सभी 30 देश एक साथ होकर रशिया के खिलाफ हो जाएंगे और वो यूक्रेन को मदद करेंगे। इन शॉर्ट ये कि रशिया के लिए यूक्रेन से अधिकार गंवाना ठीक वैसा ही है जैसे शरीर से सिर को अलग कर दिया जाए, और यही वजह है कि रशिया इस बात का बार बार विरोध कर रहा है। एक और बात, यूक्रेन रशिया की पश्चिमी सीमा पे मौजूद है। ईयर 1939 से लेकर 1945 तक दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रशिया पर हमला हुआ था। तब यूक्रेन ही वो एरिया था जहां रशिया ने अपनी सीमा को सुरक्षित किया था। अगर यूक्रेन नाटो देशों के साथ चला जाता है तो रशिया की कैपिटल मॉस्को पश्चिमी देशों के लिए सिर्फ 640 किलोमीटर ही दूर रह जाएगी, जबकि अभी वो अप्रोक्सीमेटली 1600 किलोमीटर दूर है। अब आपके दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा, अगर सिर्फ नाटो में शामिल होने से इतनी प्रॉब्लम है तो यूक्रेन नाटो का मित्र देश क्यों बनना चाहता है। इसका जवाब भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों। मगर इससे पहले अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल के नए दर्शक हैं और आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मजेदार जानकारी से भरपूर वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो चलिए अब उस सवाल के जवाब पे चलते हैं कि आखिरकार यूक्रेन नाटो को क्यों ज्वाइन करना चाहता है। इस बात को समझने के लिए आपको हिस्ट्री में 100 ईयर थोड़ा पीछे जाना होगा। ईयर 1970 से पहले रशिया और यूक्रेन रशियन एम्पायर यानी रूसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। ईयर 1970 में रशिया की क्रांति के बाद
ये पूरा साम्राज्य बिखर गया और यूक्रेन ने खुद को अलग देश घोषित कर दिया। हालांकि यूक्रेन मुश्किल से 3 साल तक भी आजाद नहीं रह पाया, क्योंकि ईयर 1920 में वो सोवियत संघ में शामिल हो गया था। इसके बावजूद भी यूक्रेन के लोग चाहते थे कि वो हमेशा से इंडिपेंडेंट रहे और उनके दिल में स्वतंत्र राष्ट्र की इच्छा हमेशा जागी रही। ये 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तब 15 नए देश बने जिसमें यूक्रेन भी था। यानी असल मायनों में यूक्रेन को ईयर 1991 में आजादी मिली। यूक्रेन शुरुआत से ही इस बात को समझता था कि वो कभी भी अपने दम पर रशिया का मुकाबला नहीं कर सकता और इसीलिए वो एक ऐसे सैन्य संगठन में शामिल होना चाहता था जो उसकी स्वतंत्रता को हर तरह से सुनिश्चित करे, और इसीलिए वो नाटो को अच्छा ऑप्शन मानता है। सोवियत संघ के विघटन से पहले भी रशिया और यूक्रेन काफी मजबूत थे। तब क्षेत्रफल में रशिया के बाद यूक्रेन सबसे बड़ा देश था और अर्थव्यवस्था के मामले में भी यूक्रेन के पास एक बड़ी ताकत थी। आज भी पूरी दुनिया में अनाज का सबसे बड़ा हिस्सा यूक्रेन में ही होता है। वैसे ये बात तो यूक्रेन भी जानता है कि अगर उसने रशिया के खिलाफ जाने की कोशिश की तो रशिया उस पर हमला करके उसे दुनिया के नक्शे से मिटा देगा और उस पर अपना कब्जा कर लेगा, और इसीलिए वो नाटो देश की मित्रता चाहता है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि इस पूरे मामले में अमेरिका का क्या फायदा है और वो यूक्रेन को इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है। दरअसल अमेरिका ने अपने सैनिकों को यूक्रेन की मदद के लिए भेज दिया है और उसने पूरा आश्वासन दिया है कि वो यूक्रेन की पूरी मदद करेगा। लेकिन अमेरिका के ऐसा करने के पीछे उसकी सिर्फ अपनी पोजीशन को मजबूत करने की कोशिश है, क्योंकि कुछ सालों से जैसे अफगानिस्तान से अमेरिका ने अपनी सेना वापस बुलाई और नॉर्थ कोरिया पे अमेरिका की धमकी का कोई असर नहीं हो रहा, ये तमाम वो चीजें हैं जो अमेरिका की सुपर पावर वाली इमेज को अब कमजोर दिखा रही हैं और ये अमेरिका को बर्दाश्त नहीं। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश भी यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। अब अगर इस प्रॉब्लम को हम हमारे देश के नजरिए से देखें तो सबसे बड़ी समस्या हमारे देश के लिए है कि आखिरकार हम किसका साथ देंगे, रशिया या फिर यूक्रेन का। भारत के लिए रशिया और अमेरिका दोनों जरूरी है। यूक्रेन के साथ भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं। भारत और रशिया की दोस्ती सालों पुरानी है और अमेरिका के साथ पिछले कुछ सालों में हमारे रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। इसके अलावा यूक्रेन के साथ भी हमारे अच्छे संबंध हैं। मतलब ये कि हम चाहकर भी इनमें से किसी भी देश को नाराज नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें किस देश को अपना सपोर्ट देना चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को हिट करें, और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल RR इंफोटेनमेंट।